हेलो बच्चों, देखो आज एक नया क्वेश्चन फिर से आपको हम भेज रहे हैं 11A/24 वाला। क्लास में ऐसे रनिंग क्लास में हम लोग इसका जिक्र किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम चांस है कि पेपर में भी आ सकता है, इसको पढ़ के जाइएगा। अगर नहीं भी आता है तो भी बहुत काम का है ये। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है कैसे। देखिए, आपके पास प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंस टू 0 1+x^(1/x-e)/2ex/x^2 11A/24, ये प्रूफ करके ले आना है। ये देखिए, लेफ्ट साइड की वैल्यू को हम लोग टोटली उठा लेंगे और इसको सॉल्व करके राइट साइड की वैल्यू 11A/24 ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लिमिट एक्सटेंस टू 0 1+x^(1/x-e)/1/2ex/x^2। देखो, इसमें इस टर्म को और इस टर्म को टच नहीं करेंगे, जस का तस ऐसे ही कॉपी कर दिया। यहाँ पर 1+x^(1/x) को लिख लिया। देखो, जब कभी x होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e^(log x), ऐसा लिख सकते हैं। तो e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, x = x आ जाता है। वैसे ही 1+x^(1/x) को लिख लिया e^(log 1+x^(1/x). e और log अगर कैंसिल करेंगे तो फिर से यही सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके बाद देखो, इसका जो पैटर्न है वो यहाँ है। ये जो 1/x पावर का है वो इधर आएगा, तो 1/x log 1+x-e+1/2ex/x^2। समझ पा रहे हैं? देखिए, ये 1/x जो पावर वाला है वो यहाँ चला आया है। अब e^(1/x log 1+x-e+1/2ex/x^2, इसमें देखो e^(1/x) को छोड़ दिया, log 1+x का एक्सपेंशन लिख रहे हैं। x-x^2+x^3-x^4/4+...(-e+1/2ex/x^2। देखिए, ये टोटल कम्प्लीटली, ये जो लाइन थी एक्सपेंशन करने के बाद, उसके बाद वाली लाइन को देखिए आप, उसके बाद वाली लाइन को आप क्लियर करोगे यदि, तो देखिए ये हो जाएगा 1/x को इसके साथ इंटू करो, 1/x को इसके साथ इंटू करो, इसी तरह 1/x को इसके साथ इंटू करो। जब 1/x को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x/2, ये x^2/3-x^3/4+...(-e+1/2ex/x^2। अब देखो, e^(1)(e^-x^2+x^2/-x^4+...(-e+1/2ex/x^2)। देखिए, इसमें जो है e वाला जो टर्म है उसको बाहर ही रखो, ये जो e है इसको बाहर ही रखो, और इस पूरे को समझ लो, ये x है, ये टोटल एक्स है। तो ई के पावर एक्स का प्रसार होता है 1+x+x^2+... ये वाला माइनस ई यहाँ, और 1/2ex ये, और बटे में x²। ये जो टोटल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ई 1+1+x+x^2+...(-e+1/2ex/x^2। अब इसके बाद आगे बढ़ोगे जब, तो ये देखो, ये अगला स्टेप आपको हम दिखाते हैं, इससे इसको टैली करा करके ये कि कैसे आया। देखिए, इसमें जो आपके पास वैल्यू दिखाई दे रही है, देखो बेटा, ई जस का तस है, ये 1 यहाँ है, -x/2, ये टोटल का टोटल ब्रैकेट ये उतार दिया गया है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, x+x^2 x²/3-x³/4+a+b+c+... का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है a²+b²+c²+d²+.2ab+2bc+2ca। तो x² का टर्म इसमें किस में मिलेगा? खाली इसका स्क्वायर करेंगे तो x² मिलेगा। तो ये देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो x²/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो x^4/9+... आगे बहुत सारा कुछ, और बटे फैक्टोरियल 2, और ये लास्ट के दो टर्म जस का तस उतर गए, अपॉन में x² ऐसे ही उतर गया। अब इस e को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगर इस e को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा e, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ex/2, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x²e/3, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x³e/4। अब आगे बढ़िए थोड़ा, देखते हैं इसको, ये पहला वाला जो टर्म था, इसमें यदि e का मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा x²/8e(x^4e)/18। कैसे? देखो, ये 4 है और ये 2 है फैक्टोरियल, तो 8, और ये 9 है और ये 2 है, तो मिलके 18, और फिर -e -ex/2/x²।
ये देखिए अगले स्टेप में अगर बढ़ेंगे आप तो ये आपका e और ex by 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, e इससे यहाँ लास्ट में इससे कैंसिल, ex by 2 से कैंसिल। अब ये देखो जो बचा हुआ टर्म है आपके पास उसको थोड़ा फोकस करिएगा, जो बचा हुआ टर्म है उसको थोड़ा फोकस करिएगा। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो और इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दो। तो अगर इस एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल करोगे तो ये ई बाई 3 बचेगा, इस एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल करोगे तो एक्स ई बाई 4 बचेगा, इस एक्स स्क्वायर से इसे कैंसिल करोगे तो ई बाई 8 बचेगा, इस एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 18 ई बचेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए, e बाई 3 एक्स ई बाई 4 प्लस डॉट डॉट ई बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मिला आपको। देखिए ये e बाई 3 और ये e बाई 8 दो लोग ऐसे हैं जो x के अलावा हैं, जिसमें x नहीं है, इसमें एक x मेंशन है, इसमें एक x मेंशन है, तो लिमिट x टेंस टू 0 अगर ऑपरेट करेंगे तो ये वाली टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, डॉट में जितने सब लोग 0 हो जाएंगे। तो ये देखो e बाई 3 और e बाई 8 इसको मिलाओगे e बाई 3 प्लस e बाई 8 तो 11 e बाई 24, यही आपका प्रूफ था क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उसको भी आप सभी लोग देख लें, इसी के जस्ट बाद है वो भी। ये देखिए ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी आपके काशी विद्यापीठ में एक बार का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा वो आने के चांस है इसके, ये भी आप देख लें क्या है कैसे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सो दैट, ए बी सी की वैल्यू प्राप्त करिए इस तरह से कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2। देखो वी हैव, सबसे पहले ये लेफ्ट साइड आप उतार लो, ये लेफ्ट साइड की पूरी चीजें आप उतार लो यहाँ, तो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। अगर आप एक्स इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ए टू द पावर 0 बी कॉस 0 प्लस सी टू द पावर माइनस 0 अपॉन 0, देखो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी अपॉन 0। ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली वैल्यू 0 और बटे में 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब यह खुद 0 हो जाए। ऊपर वाला a माइनस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म होगा, तो a माइनस बी प्लस सी को हम लोगों ने 0 के बराबर मान लिया तो 0 बाई 0 का फॉर्म हो गया। अगर ये टोटल क्वांटिटी 0 बाई 0 के फॉर्म में होगी ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसमें एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल होगा, तो इसमें एल हॉस्पिटल से तोड़ेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स, अब देखो बी ऐसे ही रह गया, साइन कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, माइनस और माइनस मिलकर प्लस साइन एक्स, सी ई टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस सी ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स और साइन एक्स ऐसे ही रहेगा एक्स का 1, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। अगर फिर से आप इसमें एक्स बराबर 0 रखने का प्रयास करेंगे तो ए टू द पावर 0, देखो ये पहला टर्म, फिर ये बी साइन 0 ये दूसरा टर्म, और ये सी ई टू द पावर माइनस 0 अपॉन 0 इंटू कॉस एक्स मतलब 0 और ये साइन 0। यहां जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली जो क्वांटिटी आएगी ए प्लस 0 माइनस सी, तो ए माइनस सी अपॉन में ये 0 ये 0 तो 0। अब ये 0 बाई 0 के फॉर्म में कब आएगा, 0 बाई 0 के फॉर्म में तब आएगा जब ए माइनस सी की वैल्यू 0 होगी। ए माइनस सी की वैल्यू यदि 0 लिख लेते हैं तो ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में a माइनस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2 में a माइनस सी बराबर 0 आया। तीसरे वाले पैटर्न में आते हैं हम लोग, तीसरे वाले को ध्यान से देखिए, ये तीसरा वाला फॉर्मूला क्या हो रहा है। चलो तीसरे वाले में अगर अगेन आप लोग एक बार ये सारा सिस्टम इसमें ऑपरेट करेंगे, देखिए फिर से एल हॉस्पिटल अगर हम लोग लगाएं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स प्लस बी साइन एक्स का कॉस एक्स और सी ई टू द पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस जो है मिलके प्लस हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स वाला करेंगे तो माइनस एक्स, ये देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसके बाद ये देखो फर्स्ट गुणे सेकेंड, इसमें एक्स को छोड़ दिया कॉस एक्स का किया माइनस साइन एक्स, इस बार कॉस एक्स को छोड़ दिया एक्स का किया तो 1 और ये साइन एक्स का कॉस एक्स।
अगर इसमें फिर से एक बार हम लोग लिमिट रखने का प्रयास करें, इसमें एल हॉस्पिटल लगाने के बाद फिर से लिमिट रखें, तो ए ई टू द पावर जीरो प्लस बी कॉस जीरो प्लस सी ई टू द पावर माइनस जीरो अपॉन ये वाला जीरो और ये कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो, तो नीचे टू हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यह जो क्वांटिटी थी ऊपर अगर हम जीरो कर भी दें तो भी नीचे टू होगा, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म नहीं आएगा। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि इसकी लिमिट टू के इक्वल है, अर्थात जब जीरो बाई जीरो का फॉर्म नहीं है तो वो टू के इक्वल हो गया, ये समीकरण नंबर तीन हो गया। अब आपके पास समीकरण एक यहाँ ऊपर था, समीकरण दो ये है, समीकरण तीन ये है। इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ लेकर के साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। एबीसी की जो वैल्यू अगर आप फाइंड कर लेंगे वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पहला वाला इक्वेशन देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। पहले वाले इक्वेशन को केयरफुली आप थोड़ा सा देखें। पहले वाले में a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन है, a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो दूसरा वाला है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फोर तीसरा वाला है। अब a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो यदि है तो यहां से a बराबर सी होगा, इक्वेशन स्टार आ गया। अब देखिए a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री एक साथ सॉल्व करो, a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू फोर, तो ये बी बी वाला कैंसिल हो गया, आया 2a प्लस 2c इज इक्वल टू फोर, टू कॉमन निकालोगे तो आएगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू फोर। अब देखो a बराबर c निकाले हो तो यहाँ रखोगे तो 2a प्लस 2a बराबर 4, तो ये 4a इज इक्वल टू 4, तो a बराबर 1। a बराबर 1 यदि आप पा गए तो जितना a की वैल्यू है उतना ही c की वैल्यू है, ए और सी दोनों बराबर हो गया, तो ए बराबर वन और सी बराबर वन। अब ए और सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन और या थ्री किसी में रख दो, ले जा करके ये वन में रखते हैं, ए माइनस बी प्लस सी इक्वेशन वन में रख रहे हैं, तो ये वन माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो बी बराबर टू। इसको ओवरऑल सॉल्व किया तो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू वन। आप सभी बच्चों को ये सलाह दी जा रही है कि आज कुछ नया पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, दिन भर आप आज रिवाइज करिए जो चीज पढ़े हैं, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट था वो पहले से बताया गया था। ये देखिए ये दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जिसको अभी हम सेंड कर रहे हैं, जब आप थके रहेंगे तो इस वीडियो को देख करके नोट कर लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।